तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस, हम दोबारा से खेलने वाले हैं गैस सिमुलेटर। और गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपने गैस इंजन का लुक काफी ज्यादा यहाँ पे चेंज कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कस्टमाइजेशन भाई थोड़े से स्लोगन भी लिखवाए थे। एंड मैंने उसी वीडियो में आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो मेरे को काफी सारे सजेशन मिले, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है आज नगद कल उधार, और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत जो स्टिकर थे वो चिपका दिए हैं, और थोड़ा बहुत सामने की तरफ में मैंने डेकोरेशन करा है, जैसे कि यहाँ पे फिक्स प्राइस का है, इधर अपना वेलकम लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे नो स्मोकिंग का लिख दिया है। और वैसे आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट करे थे, पर यार मैंने सोचा कि इतने सारा कुछ अगर मैं अपने गैस एजेंसी पर लिख दूंगा तो यार ना इसका लुक भाई बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा हो जाएगा, मतलब एकदम खिचड़ी से पक जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी लिमिटेड चीज़ें ही यहाँ पर लगाई हैं। एंड बाकी यार गाइज, मैं सोच रहा हूँ आज अपने गैस एजेंसी ना उसका लुक थोड़ा और चेंज करा जाए, क्योंकि यार अभी ना हमने अपने गैस एजेंसी में बहुत सारा जो काम है वो करना बाकी रह गया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पार्टी बस आ रखी थी, और भाई साहब पार्टी बस जब भी आती है ना तब भाई यहाँ पे गंद जो है वो पूरी मचा के जाती है। वैसे अगर सच्ची बताऊँ ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है भाई ये साफ सफाई का काम करने का, पर अगर मैं एम्प्लॉय को ये काम देता हूँ ना भाई तो वो वॉशरूम में जाके सफाई करता है, मतलब गैस स्टेशन में नहीं करता है भाई, वॉशरूम में जाके सफाई करता है, और कस्टमर जो है वो अपनी रेटिंग यहाँ पे गिराते हैं। वैसे भी अपनी जो पॉपुलैरिटी का लेवल है वो अभी भी लेवल 7 चल रहा है, मेरे को नहीं पता ये मैक्स कब होने वाला है। और भाई अपना जो वर्कर है वो रेस्ट पे जा चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे अपने दो वर्कर जो हैं वो खाली मतलब एकदम उन्होंने रेस्ट जो है पूरा यहाँ पे कर रखा है, तो अपना जो जुआन है इसको मैं रिपेयरिंग के लिए भेज दूंगा। सबसे पहले मैं मायूमी को बुला लेता हूँ यहाँ पे हैंडल द कैश रजिस्टर, और अपना जो जुआन है इसको मैं बुला लेता हूँ रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। हाँ तो अभी सही है ना फ्यूलिंग के लिए? हाँ ठीक है, यहाँ पे तीनों वर्कर को मैंने बुला लिया, बाकी अपने दो वर्कर जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, और अपना जो काम है वो ये है कि यार हमें यहाँ पे साफ सफाई पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत कर दूँ, एंड देन उसके बाद ना थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि अपना जो गैराज है ना उसमें मतलब क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई, ऐसे टायर वगैरह हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और बाकी यहाँ पे अपने गैस अपना क्या बोलते हैं गैस स्टेशन है उसके अंदर भी जो चीज़ें ना वो भी यहाँ पे खत्म हो रही है, तो मेरे को यहाँ पे भी चीज़ें मंगानी है। और लास्ट टाइम एक भाई ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि मेरे को जो कांच के गिलास वाला ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, शायद वो बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे मेरे को ड्रिंक्स की जो शेल्व वो ज़्यादा रखनी चाहिए, पर यार आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टोटल बड़ी वाली ना 3 जो है ड्रिंक्स की शेल्व रख रखी है, और क्या मेरे को एक और रखनी चाहिए? वैसे मेरे को लग रहा है काफ़ी है यार, मतलब अभी देख रहे हो अपने पास में इतना स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद अब मतलब काफ़ी सारा स्पेस अभी भी बाकी है। एक स्नैक्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी जो सेल्फ खाली भी पड़ी हुई है, मतलब मेन भाई यहाँ पे प्रोडक्ट की दिक्कत हो रही है, मतलब प्रोडक्ट जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा मंगाने पड़ेंगे। तो काम करते हैं, मैं फटाफट से ना पहले तो सबसे पहले फ्यूल की सप्लाई थोड़ी से मंगा लेता हूँ, और उसके बाद जो है थोड़े से यहाँ पे प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं, जैसे अपना ड्रिंक्स में थोड़ी सी जो ग्रीन है वो सारी की सारी ऑर्डर कर देता हूँ, ये अपनी ड्रिंक्स हो गई, और स्नैक्स भी मंगा ही लेते हैं क्योंकि स्नैक्स की जो सेल्फ्स है वो खाली पड़ी हुई है। अल्कोहल की भी थोड़ा मंगा लेते हैं, ठीक है, जितना भी ये ग्रीन दिख रहा है वो सारे का सारे यहाँ पे मंगा लेते हैं, और बाकी सिगरेट तो अपने पास में है नहीं, और आइसक्रीम थोड़ी बहुत पड़ी है थोड़ी और मंगा लेते हैं, बाकी कार केयर के पार्ट्स सारे रेड चल रहे हैं, और न्यूज़पेपर थोड़ा मंगा लेते हैं, वैसे न्यूज़पेपर पता है ज़्यादा बिकता भी नहीं है, और हैट्स भी थोड़ी सी एक काम करते हैं मंगा ही लेते हैं, ठीक है, हैट्स भी मैंने मंगा लिया है। यहाँ पे ग्लासेस जो हैं वो भी थोड़े से मंगा लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारे ग्लासेस वगैरह भी मंगाए थे, और थोड़े से यहाँ पे टेडी बियर मंगा लेते हैं, और पेस्ट्री नहीं मंगाऊंगा, पेस्ट्री अपने वहाँ से पड़ी हुई है, टॉय जो है वो थोड़े से यहाँ पे मंगा लेते हैं, और देखते हैं इतना ऑर्डर जो है वो आ पाएगा नहीं। चलो अच्छा ये है कि इतना जो ऑर्डर है वो सारे का सारे आ जाएगा, और यार बाकी मैं सोच रहा हूँ ना एक वर्कर को बुला लूँ मैं यहाँ पे साफ़ सफाई का काम वो देख लेगा आके, क्योंकि यार यहाँ पे गंदगी ना गई, जब से मैंने टाइलें वाले चेंज करी ना गंदगी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे फैलने लगी है यार वो, और ऊपर से रेत के जो मतलब जो फुटस्टेप होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब क्लियर विजुअल होते हैं, और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पर चलो ये अच्छा है कि पिछली बार की जो अपना फ्लोर था ना उससे तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और चीज़ें भी जो पड़ी हुई होती हैं वो हमें काफ़ी आराम से यहाँ पे दिख जाती हैं, वरना लास्ट टाइम मतलब पुराना वाला जो अपना फ्लोर था ना उस पर जो ऐसे पैरों के निशान वगैरह हुआ करते हैं ना वो अच्छे से मतलब दिखते नहीं थे यहाँ पे। और फटाफट से अपना फ्यूल भी आ चुका है, तो काम करते हैं पहले सबसे पहले जो फ्यूल है ना वो अपना भाई स्टोर कराते हैं, तो इसका मैंने यहाँ पे लीवर घुमा दिया है, और मैं तो भूल गया यार मेरे को ना क्या बोलते हैं यहाँ पे टायर मंगाने थे, क्योंकि टायर का स्टॉक बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो डिलीवरी में चलते हैं टायर के प्राइसेस देखते हैं। यार टायर के प्राइसेस ना आज भी जो है रेड चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ टायर जो है ना अभी नहीं मंगाते हैं, बाकी अपने पास में सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, इधर देखो भाई फ्यूल इंजन ऑयल जो है ना सारा का सारा पड़ा हुआ है, कार मिरर भी पड़े हुए हैं, स्क्रैच रिमूवल भी है, स्पार्क प्लग भी है, कूलेंट भी पड़ा है, और बैटरियां भी बहुत सारी है, बस जो ख़त्म हुआ है वो है भाई अपने टायर, और टायर के प्राइस आज महंगे चल रहे हैं, तो मैं आज तो नहीं मंगाने वाला हूँ अभी के लिए, मतलब आज के लिए तो जो टायर है ना वो तो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, कल का देखा जाएगा, कल शायद प्राइस अगर ग्रीन हो जाते तो मैं बहुत सारे एक ही बार में इकट्ठे मंगा लूँगा।
और ओ भाई साहब मैं भूल गया, अपना वेयर हाउस पे वो गाड़ी आ चुकी होगी, मेरे को ना वो भी लेना पड़ेगा जो सामान हमने अभी मंगाया है। एंड देन उसके बाद जो अपनी सेल्स है ना उसको भरते हैं फटाफट से, क्योंकि हमने जो सामान है वो किस लिए मंगाया यार, बेचने के लिए मंगाया है ना, और माल जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, मतलब स्टोर रूम में रखे रखे भाई थोड़ी ना कोई ख़रीदने आएगा, हमें वो चल के ना सेल में लगाना भी पड़ेगा। तो गाइस ये हो गया, खुल गया है, और फटाफट से सर जी अपना ट्रक अंदर लेके आओ। और इन्होंने पता है अपडेट में ये बढ़िया करा है कि ये बंदा उतरता नहीं है, वरना पहले भाई उतर के खड़ा होता था फिर उसके बाद उसको बैठने में काफ़ी टाइम लगता था, अभी जो काम है ना काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। और भाई कितने सारे मैंने आइटम मंगा लिए देख रहे हो भाई, 4-5 चक्कर लगा चुका हूँ और अभी भी जो ट्रक है ना उसमें माल पड़ा ही हुआ, भाई सब कितना आ गया यार। चलो अब भाई साहब हाँ ठीक है, मेरे को ही लगा ही था वो लास्ट ही है, और गेट तो बंद करा लो भैया, इन लोगों को अब इतनी जल्दी होने लगी कि अपने गाड़ी का गेट भी बंद नहीं कराते हैं और ऐसे ही भाग जाते हैं। तो अपना जो वेयर हाउस है मैंने उसका गेट यहाँ पे बंद कर दिया है, और अभी फटाफट से चल के जितने भी हमने आइटम मंगाए हैं वो सारे के सारे वहाँ पर फिलअप करते हैं, ठीक है। अल्कोहल जो है वो सारा का सारा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलो ये बारी पूरी की पूरी जो सेल्स है वो भर चुकी है, थोड़ा सा इसमें स्पेस बचा है तो यहाँ पर भी, और ये अभी भी यार खाली रहेगी, चलो कोई बात नहीं है। ये सबसे पहले ना इसको भरते हैं, ठीक है, ये अपना हो चुका है, और इधर भी भर देते हैं ये वाली, और इधर ये वाइट और ऑरेंज दोनों आ जाएंगी। चलो ये भी हो गई, अभी भी सेल में स्पेस बचा हुआ है, और बाकी यहाँ पे पेस्ट्रीज देख रहे हो यार गाइस, पेस्ट्री जो है ना काफ़ी कम कम यहाँ पे बिकती है, मतलब पेस्ट्रीज की मैं मतलब ज़्यादा नहीं मंगाऊंगा, ठीक है, पेस्ट्री ज़्यादा नहीं मंगाऊंगा। स्नैक्स थोड़े से यार मेरे को लग रहा है कम आए हैं, क्योंकि स्नैक्स के जो सेल्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। टॉय अपने पास में पहले से ही बहुत सारे पड़े हुए हैं, कार गियर के पार्ट्स लगभग ठीक ठाक हैं, न्यूज़पेपर मैंने मंगा लिया था, और चलो न्यूज़पेपर तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पे सेल पूरी फुल हो चुकी है। टॉय अपने पास में ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हैं, और थोड़े से आ चुके हैं, ये वाली सेल अभी भी खाली रह गई है, ठीक है, ये सेल अभी भी खाली रह गई है। लास्ट टाइम मैंने एक छोटी और बड़ी, मतलब छोटी छोटी दो और लगाई थी, पर शायद मेरे को लग रहा है उसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी। और बाकी यहाँ पे थोड़े से ग्लासेस लगा देते हैं, 5 ये लगाते हैं, 5 ये और 5 ये वाले, ठीक है, चलो उसके लिए जगह ही नहीं बची। अरे एक और स्टैंड है तो चलो यहाँ पे 5 और लगा देते हैं, ठीक है, ये अपने हो गया। बाकी मैंने हाँ हेड्स भी तो मंगाई थी, तो हेड्स भी जितनी है वो लगा देते हैं, और यार मैंने गलती से यहाँ पे एक एक मंगा ली तो ये तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं है, मैं अभी दोबारा ऑर्डर कर दूंगा यहाँ पे। तो ये अपनी सारी पेस्ट्रीज आ चुकी है, एंड बाकी यार गाइस यहाँ पे एक वर्कर अपने रेस्ट के लिए जा चुका है कैश रजिस्टर। अरे भाई सब फ्यूल भरने वाला कोई नहीं है, तो मेरे को जाके ही फ्यूल भरना पड़ेगा, और साफ सफाई का काम भी मुझे ही देखना पड़ेगा। और वैसे गाइस आप लोग देख सकते हो अपने पास में अभी 17,000 रुपये जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब $17,000 इकट्ठा हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें $100,000 का मतलब का उसका चैलेंज करा जाए। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या मेरे को $100,000 वाला जो चैलेंज है वो यहाँ पे करना चाहिए, और वो जो $100,000 है और उसको देखेंगे कितनी देर में मैं कर पाऊँगा और मेरे को कितना टाइम लगेगा, और हो सकता है मे बी भाई एक पूरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि $100,000 कमाना बहुत मुश्किल है। वैसे मुश्किल उतना कुछ खास नहीं है, पर हाँ टाइम बहुत लगने वाला है, लगभग भाई बहुत मतलब बहुत टाइम लगेगा यार, जितना वो इजी सुनने में लग रहा है ना उतना इजी होगा नहीं। तो आप लोग बताना मेरे को कि क्या मेरे को वो चैलेंज यहाँ पे करना चाहिए। और वैसे मैंने अभी इंटरनेट कैफ़े में 1,000,000 का चैलेंज करा है, पर 1,000,000 वो उसमें एक बारी में तो नहीं हुए हैं, पर हाँ दूसरी बारी में ज़रूर से उसको पूरा कर दूंगा। अभी 50% मैंने उसमें कर रखे है, बाकी 50% मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका करने वाला हूँ, और उसका एपिसोड भी बहुत जल्द आएगा। तो मेक श्योर है आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखोगे। एंड अभी चलते हैं गाइस। हाँ भाई मैं मेन जो काम था ना वो तो भूल गया, मैं जिस काम के लिए आज मैंने आया था वो काम मैं करना भूल गया हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ ना एक काम करते हैं, एक वर्कर को बुला लेते हैं, वरना ये खामखा कस्टमर आके ना हमें परेशान करेंगे। सबसे पहले पेमेंट दे देते हैं, और इसके स्टैट्स में देते हैं ये फ्यूलिंग का, इसके लेवल 6 है, इसका कम है, तो इसको ना फ्यूलिंग के लिए बुला लेते हैं दोबारा से। सैमुअल नाम ही ना, हाँ सैमुअल को हमने बुला लिया है। और बाकी यहाँ डेकोरेशन गाइस मेरे को यहाँ पे करानी थी, ठीक है, तो ये रहा अपना डेकोरेशन। फ्रंट ऑफ गैस स्टेशन जो हमने पूरा कम्प्लीट कर रखा है, और अभी गाइस यहाँ पे काफ़ी नए नए स्ट्रक्चर आए हैं, जैसे कार नीडल है, तो एक मैं ये लगाने वाला हूँ, ठीक है, अपना कार नीडल यहाँ पे आ चुका है। और अच्छा मेरे को इसको पूरा एक एक करके लगाना पड़ेगा, एक कार फिर दो कार। ओ भाई साहब यहाँ पे तो काफ़ी सारे पैसे लग रहे हैं यार गाइस, मेरे को लगा था और मैं नहीं लगा सकता क्या? ओके लगा सकता हूँ यार, पैसे की वैसे अपने पास में कमी नहीं है। और ये देखो भाई कितना खतरनाक स्ट्रक्चर बनना है, मतलब बंगार गाड़ियों को एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं और हमसे पैसे लिए जा रहे हैं बेमतलब के। मतलब इसका वैसे देखा जाए तो कुछ सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है, और शायद ये अभी पूरा हो चुका है। जी हाँ शायद मेरे को लग रहा है ये पूरा हो चुका है गाइस। और एक ये बोर्ड आने वाला है, ये भी लगा देते हैं $850 का, ठीक है। एक ये बिल बोर्ड था हमने लगा दिया है, और बाकी ये थोड़े से प्लांट लास्ट टाइम मैंने देखे थे
और ये मैंने लगाए नहीं थे, इस बार मैं पूरे के पूरे लगा ही देता हूँ। मतलब अपना जो गैस स्टेशन है उसका लुक बहुत बढ़िया हो जाएगा बाहर की तरफ से। मतलब बाहर की तरफ से हमने डेकोरेशन ज़्यादा नहीं करी है। और ये क्या है, ये कुछ पिकनिक के लिए है। तो यार पिकनिक वैसे यहाँ पे कौन ही करने आएगा, चलो लगा ही देते हैं। और भाई साहब ये तो काफ़ी सारे हैं यार पिकनिक स्पॉट यहाँ पे, भाई साहब कितने सारे हैं गाइस। और यहाँ पे भी एक ट्री आएगा, चलो ट्री भी लगा दिया है। एक लास्ट और बचा है, ओके ट्री आएगा यहाँ पे, चलो ये भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है पिकनिक स्पॉट। और यहाँ पे भी अपने कार वॉश के पास एक प्लांट लगेगा, ठीक है। एक प्लांट मैंने लगा दिया यहाँ पे, एक और लगा देता हूँ। और मेरे को ना थोड़े से खर्चे जो हैं देख के करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें अपनी चीज़ें भी मंगानी है, हमें टायर वगैरह भी ऑर्डर करने हैं, ठीक है। ये अपना हो गया है, और बाकी ये तो पूरा हो चुका है, ठीक है। ये वाला पूरा हो चुका है, अगले वाले पे बढ़ते हैं। ये अपना कुछ आने वाला है वैगन, इसके लिए यार ना अभी एक काम करते हैं, थोड़े से पैसे ना गाइस बचा के चलते हैं एंड एक बारी बाहर चल के देखते हैं कि अपने जो गैस स्टेशन है उसका लुक अभी कैसा हो गया है। और यहाँ पे देखो यार गाइस ये ट्री लग चुके हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ में अच्छा ये गाड़ियाँ तो हमने लास्ट टाइम लगाई थी। अच्छा ये वाला है भाई, एक पोल में देख रहे हो कितनी सारी इन्होंने गाड़ियाँ जो है वो लगा रखी है यहाँ पे। भाई साहब यार सही लग रहा है क्या? मेरे को तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, आप लोग बताना आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा। और बाकी हमने हाँ थोड़ा सा अपना कार वॉश वाले एरिया पे भी थोड़े बहुत ट्री वगैरह लगाए हैं, और एक हमने बिल बोर्ड भी तो लगाया था। वो बोर्ड किधर लगाया है मेरे को नहीं पता, कहाँ पर लगाया है वो बोर्ड, वो वाला बोर्ड यार कहीं दिख क्यों नहीं रहा है, हमने इतना महंगा बोर्ड लगवाया है अभी कहाँ है वो, शायद से पता नहीं यार वो किधर है वो बोर्ड, वो यहीं कहीं तो लगा था, मैंने अभी तो लगाया है थोड़ी देर पहले, मेरे को यार वो बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। और मैंने जो पिकनिक स्पॉट जो भी था वो भी बनाया है, वो भी चल के देखना पड़ेगा किधर है। और यहाँ पे चलो ये सही है कि अपने सारे वर्कर काम कर रहे हैं। और मैंने ये लगाया था, ये जो है ये जो प्लैंक्स वाले जो इनको प्लैंक्स ही बोलते हैं ना, प्लैंक्स ट्री बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, ऐसे कुछ नाम होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये अपने ट्री यहाँ पे लग चुके हैं, जिससे कि अपना कार वॉश वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। और मैंने लास्ट टाइम भाई पिकनिक स्पॉट कहीं तो बनाया था यार इन्होंने, एक बारी मेरे को देखना है कि वो कहाँ है। ये तो अपना वर्करों की वैन है, मतलब यहाँ पे अपने सारे वर्कर वगैरह रहते हैं। और इधर की तरफ में चल कर देखा जाए तो यहाँ पे तो भाई पता नहीं, यहाँ पे नहीं है यार वो, मैंने पिकनिक स्पॉट कहीं तो बनाया है, क्या वो अपना पार्किंग एरिया की तरफ बना है क्या? मेरे को लग रहा है शायद पार्किंग एरिया की तरफ ही बना है, क्योंकि यहाँ कहीं पे तो नज़र नहीं आ रहा है। और क्या वो अपने कस्टमर के लिए बना होगा? मतलब बहुत सारे जो सवाल है ना मेरे दिमाग में अभी घूम रहे हैं। ओके शायद से नहीं, उधर नहीं है, उधर नहीं है, मेरे को पता है उधर की साइड में तो नहीं है वो यार, पता नहीं। ओ शायद गाइस वो सामने की तरफ है, मैंने बोला ही था अपना पार्किंग स्पॉट जिधर था ना वो उधर ही है। और यहाँ पे सैंड स्टॉर्म भी आ गया है बहुत ही गंदे वाला। तो गाइस ये अपना पार्किंग वो है पिकनिक वाला एरिया, यहाँ पे अपने लोग मस्त चीज़ें आके खा सकते हैं और थोड़ा सा इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। मतलब ये मेनली हमने अपने कस्टमरों के लिए बनाया है, हम यहाँ पे वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो हमने बिल बोर्ड लगाया था ना, वो यार बिल बोर्ड पता नहीं कहाँ पर है, और क्योंकि वो मेरे को कहीं पे भी दिखा नहीं है। और अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर जो है सैंड स्टॉर्म आ रखा है, पता लगा भाई हमें ही कहीं वो उड़ा के ना ले जाए अपने साथ में, और अगर हम उड़ गए तो अपना गैस स्टेशन यहाँ पे कौन संभालेगा, क्योंकि अपने जो वर्कर है ना वो इतने ज़्यादा निकम्मे हैं कि वो जितना पैसा लेते हैं बस उतना ही काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम जो है ना वो 1% भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई हमें मतलब नहीं है, हमने जितना पैसे लिए हैं बस उतना ही काम करेंगे यहाँ पे। मतलब यार जो अपने वर्कर है ना गाइस क्या बताऊँ यार, इन लोगों ने बड़ा ही परेशान करा है भाई, बार बार पे मतलब रेस्ट के लिए चले जाते हैं। और ये बाहर देखो भाई सैंड स्टॉर्म आ रखा है, हाँ तो मैं बोल रहा था बात बात पे भाई रेस्ट के लिए चले जाते हैं, फिर पैसे दो इन्हें, मतलब पैसे लेते कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम तो बढ़िया से करो ना यार, ये लोग भाई काम भी कम करते हैं और पैसे भी लेते हैं। एंड भाई नवाबी इनकी अपनी अलग ही है भाई, बार बार रेस्टिंग के लिए चले जाते हैं, तो इन लोगों ने यार सच्ची में बड़ा ही परेशान कर रखा है मेरे को। बाकी यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह थोड़ी बहुत पड़ी है, सारी की सारी बिचवा ही देते हैं, क्योंकि मैं इनका रख के भी क्या करूँगा, बेचने के लिए तो मैंने खरीदी है यहाँ पे। और ये तो भाई पूरा भरा हुआ पड़ा है, और सैंडस्टॉर्म चला गया क्योंकि अभी मेरे को वहाँ पर रेत के जो टीले बन गए होंगे जगह जगह वो भी हटाने पड़ेंगे यार। मतलब देख रहे हो भाई ज़िंदगी में ना भाई बड़े ही वो चल रहे हैं, मतलब पंगे, एक चीज़ से छुटकारा मिलता है तो कुछ ना कुछ और हो जाता है। मेरे को लगा था थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे मज़े करेंगे, पर अपना सैंडस्टॉर्म भैया आ गए, अब उनने आके हमें अपनी अलग ही परेशानी दे दी है, अब मेरे को उसको चल के सबसे पहले वो सही करना पड़ेगा, वरना जगह जगह पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा। चलो इधर कहीं पे तो वो नहीं है अपना, और मेनली अगर इधर चल के देखा जाए तो इधर भी अपना कोई भी वो नहीं बनाया, चलो ये अच्छा है, वरना मेरे को लगा था भाई साहब कि सैंड स्टॉर्म की वजह से वो रेत के टीले बन जाएंगे ना जगह जगह, तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। और यार बाकी मैंने यार काफ़ी टाइम से ना कोई भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चोरी नहीं करी हैं, और इसमें तो डिग्गी है नहीं, इसमें भी नहीं है इसमें भाई साहब। अच्छा मेरे को ना सबसे पहले लॉक पिन निकालनी पड़ेगी, ठीक है लॉक पिन निकालते हैं, ये बिगिनर वाला लॉक है, इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं, क्या ये खुलेगा मेरे से आज, काफ़ी टाइम बाद में
करने आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मेरे को $7 मिल चुके हैं। चलो काफ़ी अच्छा है, ये वाला भी खोलते फट। ये मास्टर लॉक है, इसको बहुत ही केयरफुली हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है, बहुत संभाल के, क्योंकि इसमें अलार्म होता है। बस अभी लास्ट चांस बचा है, और जिसकी ये गाड़ी थी वो आ चुका है यहाँ पे। गाइस क्या मैं इसको खोल पाऊँगा? नहीं खोलेगा, और इसका लॉक बच गया। नहीं, इससे पहले ही वो बंदा ही भाग गया, ठीक है। चलो ये अच्छा है, उसने मैंने देखा नहीं। चलो इसका लॉक खोलते हैं, बिगनर वाला है, इसका लॉक मिलना जल्दी खुल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, मतलब कस्टमरों की हम गाड़ियों से चोरी कर रहे हैं, और यहाँ से हमें $5 मिल चुके हैं। इसमें मास्टर लॉक है, एक बार ना मास्टर लॉक खोल के देखते हैं यार। इस बार तो मैं पक्का खोलने वाला हूँ, ठीक है। बड़े ही संभाल के जो है मेरे को इसको खोलना पड़ेगा। नहीं, इधर तो नहीं खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा। पूरा एक बार ही रोटेट करके देखते हैं। नहीं, इधर भी नहीं। चलो गाइस, ओ मेरे को लगा था खुल गया। ओके, मैं खोल दूंगा इसको, खोल दूंगा, ठीक है। अरे लो शिट, इसमें अलार्म बज गया। भागो 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 भागो, मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भाई अपने गैस एजेंसी की बाहर से देखभाल कर रहा हूँ, ठीक है। वरना जिस कस्टमर की वो गाड़ी थी भाई, वो अपने अंदर पता नहीं पुलिस वुलिस के हवाले कर देगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो भाई चोरी करना गलत बात होती है, पर मैं यार ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए वहाँ पे चोरी करने गया था। वैसा कुछ मेरा मोटिव नहीं था चोरी करने का, पर हाँ चलो ठीक है, थोड़े बहुत वहाँ से पैसे मिल गए। पर चलो ये अच्छा है कि वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था, वरना भाई अभी हमारी कुटाई हो जाती बहुत ही गंदे वाली। मतलब लोग कहते भाई तू अपना गैस इन्हें चला रहा है यहाँ पे चोरी करने के लिए, मतलब जो गैस इन्हें तूने खोल रखा है। और भाई साहब अपने फिर से कस्टमर रेस्ट के लिए जा चुके हैं, और तभी मैं कहूँ यहाँ पे भाई ट्रैफिक जाम क्यों हो रखा है। तो एक काम करते हैं, पेमेंट करते हैं, इसको किसके लिए बुलाते हैं, इसको मैं भेज देता हूँ रिपेयरिंग के लिए। और बाकी चलो थोड़ी देर में जो है इसको हैंडल करता हूँ अपने कैश रजिस्टर को। हाँ जी मैडम जी, 6 प्रोडक्ट इन्होंने लिए हैं, फटाफट से इनकी चीज़ें देते हैं यहाँ पे। ये लो तुम्हारा काम हो गया, वो 2 चीज़ें और बची हैं, ये लो। तो इनको तो मैंने सारी की सारी चीज़ें दे दी हैं। और मैडम जी नेक्स्ट टाइम ज़रूर से आना, ठीक है, और अगली बार आओ तो अपने बीवी बच्चों को साथ में लाना, ताकि हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाई बिक्री हो और पैसे उससे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा ये चीज़ें खरीदेंगे ना उतने ही ज़्यादा हमें पैसे मिलने वाले हैं। और बाकी हाँ जी सर, क्या क्या लिया है? वो भाई साहब 11 चीज़ें उन्होंने ली है, तो फटाफट इनकी जो चीज़ें हैं वो देते हैं। यहाँ पे 2 हो गई है, 3री 4थी और ये 5। भाई ओरियो के बिस्किट कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो सर, थोड़ा सा ना कम खाया करो, पता लगा दांतों में कीड़े वीड़े लग जाएँ। वैसे ओरियो बिस्कुट से कीड़े लगते हैं मेरे को नहीं पता है। और भैया ये गेम को देखो क्या ही लैग मार रहा है, मतलब मैं यहाँ पे काम भी नहीं कर पा रहा अच्छे से। गाइस यार ये गेम का ना ये बड़ा पंगा है, मेरे को नहीं समझ में आता ये मतलब इतना ज़्यादा लैग क्यों करता है भाई। चलो अभी फिक्स हो गया, मतलब क्या बोलूँ यार मैं, तभी ना यहाँ पे कैश रजिस्टर पे ज़्यादा नहीं रुकता हूँ वो, इसीलिए क्योंकि जो गेम है ना वो अचानक से बहुत ही गंदे वाले FPS ड्रॉप कर देता है अचानक से, ठीक है। शायद मे भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं इसीलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब देख रहे हो काफ़ी लंबी यहाँ पे लाइन लग चुकी है। और वो भाई साहब यहाँ पे गाइस अपने गैराज नहीं, गैराज में है फ्यूलिंग के लिए, ठीक है। हाँ 3 वर्कर होते हैं ना, वैसे 4 होने चाहिए, पर कोई बात नहीं है, चौथे का काम भी हम ही कर लेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा हम पैसे बचा सकते हैं अपना ही प्रॉफिट है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम पैसे बचाएंगे ना उतने वो सारे पैसे अपने ही तो बचने वाले हैं। अगर हम वर्करों से काम करेंगे तो उन्हें सैलरी भी तो देनी पड़ती है ना हमें, और वो पैसे अपने ही जेब से जाते हैं, मतलब अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से लॉस होते हैं वो सारे के सारे। और वैसे अभी हमें डेकोरेशन के काफ़ी सारे आइटम भी खरीदने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर फटाफट से थोड़े से जल्दी पैसे इकट्ठे हो जाएँ ज़्यादा से, एंड देन उसके बाद जो है हम क्या बोलते हैं जो डेकोरेशन का आइटम है ना वो सारे के सारे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी कस्टमर हैं इनको निपटा दूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो चलो यार गाइस, यहाँ पे जितने भी कस्टमर थे मैंने सारे के सारे निपटा दिए हैं, और सच्ची में लाइन जो थी ना काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पर लग गई थी, पर अभी फाइनली जितने भी कस्टमर आए थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे निपटा दिए। बस ये लास्ट कस्टमर बचा है, और अभी बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, वो ये है कि भैया साफ़ सफाई का ध्यान हमें बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि अपना गैस इंजन जो है वो गंदा नहीं रहना चाहिए। अगर गंदा रहेगा तो अपने कस्टमर जो है ना अपन को भाई ख़राब रिव्यू दे के जाएंगे, और उसके बाद जो है अपने गैस इंजन में भाई कमाई धमाई जो है ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे साफ़ सफाई का जो ध्यान है ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। और यार ये लोग अपने पैरों में ना मिट्टी भाई पता नहीं जानबूझ के चिपका के लाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोग देखो अभी मैं इधर से साफ़ करके गया हूँ और यहाँ पे फिर से दोबारा से भाई मिट्टी के पैरों के निशान यहाँ पे बन चुके हैं, और इधर सामने कुछ पड़ा है यार। ये लोग भी ना मैंने यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, मतलब उसके बावजूद जो कूड़ा है ना भाई ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं यार। ये कस्टमर ना काफ़ी ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं दिन ब दिन, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ जी सर, क्या क्या लिया है आपने? ओके, इन्हें 3 चीज़ें लिया, फटाफट से निपटा दूंगा मैं। 3 चीज़ें ली हैं, एक चश्मा लिया है, एक न्यूज़पेपर लिया है, और एक और न्यूज़पेपर लिया है। चलो ये मेरे को लग रहा है काफ़ी पड़ाकू टाइप का बंदा है,
मतलब अंकल जी, हाँ वैसे भी अंकल जी लोगों को भाई न्यूज़पेपर को ज़्यादा ही पसंद है। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। मेरे को तो लगता है भाई अंकल लोगों को ज़्यादा ही न्यूज़पेपर पसंद होते हैं, मतलब भाई वो सुबह या शाम के टाइम पे डेली पढ़ते हैं। कुछ लोगों का तो भाई रूटीन ही होता है कि वो सुबह शाम ना न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई चाय के साथ नाश्ते में न्यूज़पेपर लेते हैं, मतलब आई मीन न्यूज़पेपर के बिना बोलो ना चाय भी नहीं पीते हैं। मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप के लोग हैं भाई दुनिया में। एंड बाकी इनले मैडम जी ने क्या लिया है, फटाफट से इनकी चीज़ें देते हैं। तो ये हो गई है, और ये लो उठा के डालो इसमें, और ये न्यूज़पेपर। मैडम जी भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन लग रही है न्यूज़पेपर की। और हाँ जी मैडम जी, आपने क्या लिया है, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ती हो क्या? शायद मेरे को लग रहा है इसकी मतलब शक्ल देख के तो लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अभी वो थोड़ी देर में पता लगेगा। और मैंने बोला था भाई ये बंदी मेरे को लगी नहीं रही थी, और इसने कुछ तो खा के अभी फेंका जस्ट यहाँ पे। यार देख रहे हो भाई, मन करता है ना कि एक खींच के तमाचा दूँ मैं भाई साहब, क्या ही बोलूँ यार। चलो इनको देते हैं फटाफट से, इनकी सयाद चीज़ें इन्होंने ली है, फटाफट से देते हैं। और चिप्स लिया है, टेस्टी लिया है, एक और चिप्स का वो लिया है इन्होंने, और एक भाई साहब अल्कोहल। चलो न्यूज़पेपर इन्होंने भी लिया है, ये शायद इतनी ज़्यादा पढ़ाकू तो नहीं लग रही है। और बाकी यार गाइस, अभी अपने पास में 15,000 रुपये दोबारा से इकट्ठा हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई साहब मैं तो गाइस भूल ही गया भाई काम के चक्कर में कि अपने गैराज के अंदर भाई टायर बिल्कुल भी लूँगे। हाँ मैंने बोला ही था, क्योंकि लास्ट टाइम ना भाई मेरे दिमाग से ही निकल गया यार टायरों का। और होप है आज जो प्राइस है वो कम हो गए हो, नहीं हुए हैं यार अभी भी कम नहीं हुए हैं। फिर काम करते हैं, मैं ना 10 टायर मंगा ही लेता हूँ। वैसे ये हमारे लॉस में तो नहीं जाएंगे, पर हाँ जितना ज़्यादा प्रॉफिट जैसे हो सकता था ना उतना ज़्यादा नहीं होगा, पर चलो ठीक है, क्योंकि यार कस्टमर ना भाई रिव्यू ख़राब ना देके जाए। भाई कस्टमर रिव्यू ख़राब देके जाते ना तो, और यहाँ पे फ्यूलिंग के लिए भी वो जा चुका है। फिर काम करते हैं, थोड़े जो एम्प्लॉय ना उनको बुला ही लेते हैं, और अपना जुआन को मैं बुलाता हूँ फ्यूलिंग के लिए। ठीक है, ये अपना आके है, फ्यूल भर देगा। और मायू में तू आ जा भाई, तू ना अपना हैंडल द कैश रजिस्टर कर ले। तो यहाँ पे तीनों वर्कर हैं, मैंने तीनों को काम दे दिया है। और अभी फटाफट से चल के मैं सोच रहा हूँ जो अपना गैस स्टेशन है उसको और थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ तो हो गया था, फ्रंट ऑफ गैस स्टेशन, ये पता नहीं क्या आएगा वैगन, चलो इसको भी लगा ही देते हैं। और एक और भी कुछ आएगा $75 का, एक वो आएगा वैगन का, मतलब यहाँ पे कुछ बैरल आने वाला है, उसकी लाइटें आएंगी, लाइटें नहीं है लैंप एक तरीके की। और ये थोड़े से आइटम है, मतलब एक चीज़ के कितने सारी चीज़ें हैं। चलो ये अच्छा कि मतलब काफ़ी सस्ते सस्ते हैं ये, तो उतना ज़्यादा भाई दिल में दर्द नहीं हो रहा है। और बाकी ये बॉन फायर के लिए ऐसा TP इसका नाम है, ठीक है, बॉन फायर वाला सिस्टम यहाँ पे, मतलब जो अपने गैस एजेंसी है उसके चारों तरफ जो है सारे के सारे डेकोरेशन आइटम लगा देते हैं, ताकि अपना जो गैस एजेंसी है उसका लुक काफ़ी बढ़िया हो जाए। तो और यहाँ पे भाई साहब ये तो वो है ना एक तरीके से कैंपिंग वाले जो टेंट होते हैं वो, और ये देखो भाई साहब ये क्या रावण है क्या, मतलब स्टैचू कुछ उस टाइप का यहाँ पे लग रहा है। और थोड़े से पैसे भी देख के चलने पड़ेंगे। और ये अपना वर्क, अच्छा वर्क स्टेशन के बाहर ना थोड़े से डेकोरेशन के आइटम लगा देते हैं, ठीक है, वर्क स्टेशन हो गया अपना। और अगला आइटम क्या लगने वाला है, अच्छा इतने ही था, चलो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लगा दिए गैराज में। रोड, ओ भाई साहब मैं रोड को भी अपग्रेड कर सकता हूँ, चलो रोड भी मैंने यहाँ पे हैं वो सारे के सारे अपग्रेड कर दिए हैं। और बढ़ते हैं आगे, ये क्या है भाई साहब, वेल स्टैचू है कोई, वेल स्टैचू तो भाई काफ़ी महंगा है यार, ये 50,000 का है, ये मैं नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ गाइस। 50,000 का स्टैचू, सोच रहे हो भाई मजाक चल रहा है क्या, मतलब अभी तक तो सही था $500-600 के वो आ रहे थे, भाई सीधे 50,000 का मजाक चल रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं भाई, इतने महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा अभी के लिए, क्योंकि देख रहे हो अभी अपने पास में सिर्फ $11,000 बचे हुए हैं। और मेरे को यहाँ पे चीज़ें भी ना मंगानी है थोड़ी सी, पहले सफाई थोड़ी सी मैं कर दूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद चल के जो अपना गैराज के लिए मैंने जो क्या बोलते हैं अपना वर्कशॉप के लिए टायर मंगाए थे वो आ गए होंगे, आ नहीं गए होंगे, आ चुके हैं गाइस। तो हमें चल के ना फटाफट से गेट खोल लें, और इसको देखो ओ यहाँ से भी रास्ता हो गई है क्या, ये सही है यार भाई, लोगों ने अपना अलग ही शॉर्टकट एक ढूंढ रखा है, मतलब जिधर रोड भी नहीं है वहाँ से निकल निकल के जा रहे हैं ये लोग, बदतमीज लोग कहीं के। चलो अपना ये फटाफट से टायर है ना वो रोको रोको, टायर मेरे को चाहिए यार, क्योंकि टायर मेरे पास ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तुम जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी का गेट ही बंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये लोग भाई इतनी ज़्यादा चौड़ में रहते हैं ना क्या ही बताओ, तो हम भी भाई पूरी चौड़ में रहते हैं, हम भी नहीं बंद करेंगे, हम कौन से इनके बाप के नौकर हैं जो उनके गाड़ी का दरवाज़ा बंद करें। एक्सीडेंट होगा तो इसका होगा, ठीक है, और पुलिस वाले चालान काटेंगे तो उसका काटेंगे, अपने बाप का क्या जा रहा है भाई, अपना तो काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, ये हो गया अपना डिलीवरी। और टायर के प्राइसेस अभी भी भाई नॉर्मल ले हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये नॉर्मल ही होंगे तब तक मैं अपने टायर यहाँ पर नहीं खरीदूँगा। सर को कुछ चाहिए और उनको मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर ना थोड़ी सी आइसक्रीम लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं लगाई हैं। और
यहाँ पे भी थोड़ी सी आइसक्रीम लगा देते हैं। चलो ये तो अपना हो गया है, ठीक है। आइसक्रीम मैंने सारी की सारी लगा दी है। टॉय अच्छे का मतलब जो अपने टैडी है ना काफ़ी ज़्यादा सही बिक रहे हैं। और पेस्ट्रीज जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है सारी की सारी। थोड़े से ग्लासेस भी लगा देते हैं क्योंकि अपने जो सन ग्लासेस हैं वो बिक रहे हैं, ठीक ठाक बिक रहे हैं। और हेड्स अपने पास में ख़त्म हो चुकी हैं। इधर की तरफ में थोड़ी सी पेस्ट्री लगा देते हैं। चलो ये हो गई अपनी सारी की सारी पेस्ट्रीज। और ये कूड़ा जो है उसको उठा के ना बाहर फेंकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैक्यूम का इस्तेमाल कर सकता हूँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार वैक्यूम का तो आपको सीन पता ही है। ये देखो अभी बस बोरा बना देगा यहाँ पे, मैंने बोला ही था ये कुछ ऐसे ही करने वाला है। चलो ये अपना हो गया। तीन चार बॉल है वैसे फेंक दूँ ना तो पूरा सफाई वफाई कर देता है बढ़िया से। बस इधर का थोड़ा सा रह गया। चलो ये अपना हो गया। बस अभी मेरे को ये बैग्स जो है ना उठा उठा के बाहर फेंकने हैं। पर अच्छा ये अच्छा है कि वैक्यूम से ना पूरा जो अपना गैस है ना वो बढ़िया से साफ हो जाता है एक ही बार में। और यहाँ पे ना कूड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो मेरे को ना जो कूड़ा वाला है उसको भी बुलाना पड़ेगा वरना यार जो बाहर ना बदबू आएगी मतलब स्मेल आएगी गंदी वाली तो उससे क्या होगा ना कस्टमर पे इंप्रेशन ख़राब पड़ता है। मतलब अपने गैस सिलेंडर के जस्ट बाहर भाई इतनी गंदी स्मेल आएगी तो समझ रहो ना कस्टमर यार क्या ही बोलेंगे। तो इसीलिए मेरे को थोड़े टाइम बाद क्या अभी मैं इसको बुलाने वाला हूँ। ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भर गया है और इसमें ना कोई पैसे अपने पास से नहीं आते हैं, वो भाई फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है तो इसको टाइम टू टाइम यहाँ पे करते रहना चाहिए। तो अभी फटाफट से जो वो है अपना सर्विस में चलते हैं। और ये रहा अपना गार्बेज कलेक्टर, इसको बुला लेते हैं गार्बेज कलेक्शन वाले को। और बाकी जो डेकोरेशन के एक बारी और थोड़े से आइटम देखते हैं कि क्या पता कोई सस्ता आइटम पड़ा हो तो हम उसको मंगा लें। वैसे लास्ट टाइम वो तो यार काफ़ी ज़्यादा महंगा था, ठीक है। ये $50,000 का है, इतना तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। 17,000 का स्टैचू, ओ भाई साहब गाइस काफ़ी महंगा है ये। और ये वाला स्टैचू 30,000 का है, मतलब यार इतने महंगे महंगे। चलो ये 3,500 का है तो मैं ये तो लगा सकता हूँ। ये अपने वर्करों के लिए है तो एक काम करते हैं इनको लगा देते हैं। अपने वर्कर भी जो हैं वो खुश हो जाएंगे। और अभी देखो यार इनका जो एरिया ना काफ़ी बढ़िया हो गया है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे हमसे। और बाकी यहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं कार वॉश वाला। और ये ओ भाई साहब अपने कार वॉश वाले के चारों तरफ ये घूमेगा, मतलब अब जो है अपना कार वॉश वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से। और ये अपना बस स्टॉप है तो बस स्टॉप लगाना चाहिए, लगा ही देते हैं। वैसे मेरे को ना पैसे भी थोड़े से देख के चलने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे जो है ना वो अपने खर्च हो रहे हैं और 2,000 ही बचे हैं। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला गाइस, अब मैं एक रुपया नहीं खर्च करूँगा क्योंकि मेरे पास में सिर्फ भाई $2,000 बचे हैं। मतलब इतने सारे जो पैसे थे वो सारे के सारे मैंने डेकोरेशन में खर्च कर दिए। लगभग मैंने 20,000 से भी ज़्यादा जो डॉलर है ना वो भाई डेकोरेशन के आइटम में लगा दिए हैं। और अभी भी जो अपने डेकोरेशन वाले आइटम है ना वो सारे के सारे यहाँ पे नहीं आए हैं। मतलब क्या ही बोलूँ यार, अपना इतना ज़्यादा मैंने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे खर्च हो गए हैं। पर अपने जो गैस इंजन का लुक देखो काफ़ी बढ़िया गया, यहाँ पे रोड वगैरह आ चुका है। और अपना कार वॉश वाले में मैंने वो लगवाया था यूकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है अपना कार वॉश पहले से। और इसमें यार लाइटें वाइटें जले तो ज़्यादा सी है ना, लाइटें भाई पता नहीं कैसी जल बुझ सी रही है। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं है। वैसे अगर उसमें लाइट होती ना तो ज़्यादा अच्छा वो लगता। और बाकी मैंने बाहर अपना एक वो तो लगाया था, क्या बोलते हैं अपना, क्या लगाया था मैंने, बस स्टॉप लगाया था। और ये भाई इसमें लाइटें जल ली हैं गाइस, अपने बस स्टॉप में लाइटें जल ली हैं और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है अपना बस स्टॉप यहाँ पे। और क्या मैं इसको मूव वगैरह कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको मूव नहीं कर सकता हूँ। वैसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता यार, वो फिक्स होगा। और बाकी अपने जितने भी वर्कर हैं काम तो चलो कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी यार गाइस आज के एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर नया हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लो। एंड बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मेरे को भाई इसमें भी $100,000 का चैलेंज करना चाहिए या नहीं। एंड बाकी मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।